नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय दूर संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अशोकनगर जिले के भ्रमण पर रहेंगे। बता दें कि शिवपुरी जिले के कार्यक्रम से चंदेरी की ओर से प्रस्थान करेंगे, जिसमें चंदेरी और मुंगावली दोनों ही स्थान पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संसदीय कार्य व श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान आज सिरमौर में अपने दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बता दें कि जिला परिषद भवन नाहन में न्यूज रडार द्वारा आयोजित शाइनिंग स्टार अवार्ड कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार आम जनता की समस्याएं सुनने और उन्हें हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। बता दें कि आज से प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रतिदिन एक मंत्री बैठेगा और आम जनता की समस्याएं सुनेगा। कर्नाटक भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक आज बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में होगी। बता दें कि बैठक में पार्टी द्वारा राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद ये राज्य भाजपा की पहली कार्यकारिणी बैठक होगी। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के बाद दूर संचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने भी मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। बता दें कि दोनों कंपनी के सभी प्लान में आज से 11 से 24 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकेगी। कंपनी ने 28 दिनों की वैलिडिटी वाले शुरुआती कीमत वाले प्लान में लगभग 11% बढ़ा दिया है। बिहार के पूर्णिया में आज जिला स्कूल प्रांगण में वैराग्य दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर संत मत सत्संग आश्रम मधुबनी समिति के अध्यक्ष कुमार उत्तम सिंह, मंत्री सुधाकर प्रसाद सिंह आदि के नेतृत्व में जिला स्कूल में कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार के दरभंगा में आज जॉब कैंप लगेगा। बता दें कि श्रम संसाधन विभाग की ओर से अवर प्रादेशिक नियोजनालय के माध्यम से आज ITI रामनगर के पास संयुक्त श्रम भवन लहेरिया सराय के कार्यालय परिसर में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के छपरा में स्नातक सत्र 2023-24 फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ भरने के लिए विश्वविद्यालय ने छात्रों को एक अंतिम अवसर दिया है। जिन छात्र छात्राओं ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, वह आज ऑनलाइन मोड में परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। बता दें कि छात्रों के लिए ये आखिरी मौका है। गोंडा बुरवल तीसरी लाइन निर्माण के चलते रेलवे प्रशासन को गोंडा कचहरी मैजापुर करनैलगंज स्टेशन के बीच ब्लॉक लिया है, जिसके चलते आज भी गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी सहित 55 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। वहीं ट्रेनें मार्ग बदलकर चलेंगी। मानसून पूरे देश को कवर कर चुका है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में छुटपुट बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज की संभावना जताई जा रही है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन 1857 में बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1898 में भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1963 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1980 में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित उपग्रह रोहिणी 1 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ था। आज ही के दिन सन 2001 में भारत द्वारा पाकिस्तान के नागरिकों बंदियों की रिहाई के निर्देश दिए गए थे। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।